लास्ट क्लास में दिवाकर सर ने आप लोगों का एक्सरसाइज 3.B कंप्लीट करवा दिया था, जिसका नोट्स भी मैंने आप लोगों को भेज दिया था। ठीक है, तो अब उसके आगे हम लोग पेज नंबर 45 से पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में आप लोगों को बहुत सारी आइडेंटिटीज जो है वो सर ने पहले बताई थी इसके पहले की क्लासेस में। आज कुछ और आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग जानेंगे। कुछ आइडेंटिटीज है यहाँ पर आगे पेज नंबर 45 पे दिया हुआ है, सम मोर प्रोडक्ट्स, पेज नंबर 45। ठीक है, उसमें कुछ आइडेंटिटी है जिसमें हम लोग जो है आइडेंटिटीज का प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक, मल्टीप्लाई करने में देखिए आपके यहाँ पर मेन चार जो है क्या कहते हैं आइडेंटिटीज हैं। ठीक, जिसमें आपका सबसे पहला है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, ये पहली आपकी आइडेंटिटी है। अब इस आइडेंटिटी का हम प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? ठीक, इसको सिंपल फॉर्म में अगर समझने के लिए कहा जाए तो सिंपल फॉर्म में यहाँ पर दो एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्स प्लस ए एक एक्स प्लस बी है। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक्स अगर लेते हैं तो एक्स को जो है हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, उसके बाद फिर एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे बी से। ठीक, ये हो गया। यहां पर आपका ए बच रहा है, ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर एक्स के साथ और ए को फिर मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, तभी आपका आंसर वो निकल कर आएगा। लेकिन इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरीके से करते हैं? मैथमेटिकल फॉर्म में इसको आपको देखना पड़ेगा। देखिए, दो एक्सप्रेशन है आपके, एक एक्स प्लस ए और एक है आपका एक्स प्लस बी। तो इसमें से हम कोई भी एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, मान लेते हैं हम ये वाला एक्सप्रेशन लेते हैं, इसको हमें बारी बारी से इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले इसमें पहला एक्सप्रेशन है एक्स, ठीक है, हम इसको बाहर ले लेते हैं। ठीक, अब हमको इस एक्स को एक बार मल्टीप्लाई करना है एक्स से और एक बार मल्टीप्लाई करना है बी से, तो हम इस टोटल पूरे एक्सप्रेशन को ले लेते हैं, यानी एक्स प्लस बी, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एक एक्सप्रेशन का। अब हमारे पास बचा था ये, यानी प्लस ए, हम यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करना है हमको एक बार एक्स से और बी से, तो हम इसको इकट्ठा ले लेते हैं यहाँ पर एक्स प्लस बी। ठीक, अब हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा एक एक करके मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले हम एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर, यानी दो एक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स की पावर जो है वो ऐड हो जाती है और एक्स स्क्वायर बन जाता है। एक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं बी से तो हमारा मिल जाता है एक्स बी। ठीक, ये हो गया इसका मल्टीप्लीकेशन। अब प्लस सिग्नेचर, ये आपका साइन, ए को मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स से तो आएगा आपका एएक्स और ए को मल्टीप्लाई करेंगे हम बी से तो आएगा आपका ए बी। अब इस एक्सप्रेशन में हम देख रहे हैं कि एक्स बी है और ए एक्स है, यानी कि दोनों जगह पर आपका एक्स और एक्स कॉमन है, तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं और यानी छोटा कर सकते हैं। छोटा करने के लिए ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस एक्स को हम बाहर ले लेते हैं और अंदर जो है हम इसको ए प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक, एक्स मल्टीप्लाई होगा ए से तो एक्स बी हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई होगा बी से तो एक्स बी हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स हो जाएगा प्लस ए बी, ये आपका इसका प्रोडक्ट हो गया, यानी कि ये आपका आंसर हो गया। यानी कोई भी क्वेश्चन जब भी आता है जो हमारे एक्स प्लस ए या एक्स प्लस बी के फॉर्म में आएगा तो हम इस फॉर्मूले में अगर उसे पुट अप कर देते हैं तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर किस तरीके समझते हैं? सबसे पहले हम एक्सप्रेशन देखे लिख देते हैं, फिर इसको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं आपको एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन होगा। देखिए, अभी हमने निकाला था एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, इसका हमने क्या निकाला था आंसर? आंसर था हमारा एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी, यही था हमारा। ठीक, अब आइए एक्सरसाइज जो बोलते हैं एक्सरसाइज 3C में हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जो कि है आपका x प्लस 6 और x प्लस 2, यानी x प्लस 6 और x प्लस 2। ठीक, अब देखिए यहां पर ये भी इसी के फॉर्म में है, x प्लस 6 ये है, यानी इसको हम मान सकते हैं x प्लस a, और x प्लस 2 है इसको हम मान सकते हैं x प्लस b। यहां पर हम चाहें तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, और या तो हमने जैसे इसका मल्टीप्लिकेशन किया था वैसे ही इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से आपको आंसर निकाल के दिखाते हैं। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, हम इसमें से एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं कोई भी, हम इसको लेते हैं, मान लीजिए एक्स पहले लिया इसको हमने बाहर, अब इससे इसको पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स प्लस 2 ये हो गया, बाकी बचा था हमारे यहाँ प्लस बी ये हो गया, इसको पूरा मल्टीप्लाई करना है x प्लस 2 से, यानी x प्लस 2 से। अब एक एक बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे x से तो हो जाएगा x स्क्वायर, x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। प्लस अब इधर की तरफ आ जाते हैं, b को मल्टीप्लाई करते हैं x से, सॉरी ये 6 है, b नहीं है, ये 6 है। ठीक है, 6 को मल्टीप्लाई करते हैं x से तो हमारा आ जाता है 6x, प्लस 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 6 2 जा 12, ये आ गया आपका x स्क्वायर। अब देखिए 2x और 6x दोनों जो है सेम है, दोनों में पावर भी 1 है तो दोनों एक जैसे हैं, तो इसको हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस और प्लस का सिग्नेचर है प्लस 2x प्लस 6x, यानी प्लस प्लस हमको प्लस करना है यहाँ पर, तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, हम इसको लिख लेते हैं 8, और x कॉमन रहेगा 8x हो जाएगा। अब साइन कौन सा लगेगा, जो ग्रेटर है यानी 6 के आगे प्लस का सिग्नेचर लगा हुआ है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, प्लस यहाँ 12 ये हो जाएगा, और ये आपका हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये आपका लेंथी फॉर्म में जहां पर हमने एक एक करके जो है मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर क्या आया था, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। ठीक है, अगर हम इस चीज को इस फॉर्मूले में लिख लें तो भी आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है, अब कैसे आएगा इसको हम करके देख लेते हैं, इसको आप आंसर एक बार नोट कर लीजिएगा तो मिलाने में हमको बहुत आसानी होगी। देखिए यहां पर है x स्क्वायर, हम इसको x स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस, ठीक है, ये आपका x जो है आपका यहां पर कॉमन रहेगा। ठीक, इसको अब ये दो एक्सप्रेशन है, कौन से, एक 6 है और एक जो है 2 है, यानी 6 प्लस 2 ये हो गया, प्लस दोनों एक्सप्रेशन a क्या है, a आपका 6 है मल्टीप्लाइड बाय 2 है, यहां पर भी आंसर क्या आ गया आपका x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 टू द 12। दोनों कंडीशन में हम देख रहे हैं कि आपका आंसर जो है वो सेम ही आता है, चाहे इस फॉर्मूले में आप पुट अप कर लीजिए, चाहे तो आप इसको अलग अलग करके एक एक करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आप एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा ईजी होगा, आगे की क्लासेस में आपको ज्यादा हेल्प करने वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया एक्सरसाइज 3B का। अब ये तो आपका पहला एक एक्सप्रेशन था, ठीक है, जिसमें कि x प्लस a और x प्लस b, ठीक है, इसका जो है आंसर आपका आ गया था, ये पहला प्रोडक्ट था। दूसरा जो है आपका वो हो सकता है, देखिए इसमें अगर x माइनस a और x माइनस बी के फॉर्म में अगर होता है कोई चीज, तब इसका आंसर क्या आता है, तब इस कंडीशन में आपका आ जाएगा x स्क्वायर माइनस a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय x, ठीक, प्लस ab,
ठीक, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी, तो इसका प्रोडक्ट ये आना चाहिए। ठीक है, इसका प्रोडक्ट आपका ये आएगा, ये आपकी दूसरी आइडेंटिटी थी। यहाँ पर जो है दोनों जगह आपका माइनस का साइन होगा, पहले देख रहे थे हम प्लस प्लस का साइन था, अब यहाँ पर x माइनस ए और x माइनस बी अगर आता है तो इस फॉर्म में आपका आंसर वो आएगा। तीसरी आइडेंटिटी देख लीजिए, तीसरी आइडेंटिटी में यहाँ पर x प्लस ए और x माइनस बी अगर इस फॉर्म में होता है, जहां पर एक से एक्सप्रेशन पॉजिटिव होता है यानी पॉजिटिव ए और एक जगह नेगेटिव बी, ठीक है, तब इस कंडीशन में आपका क्या प्रोडक्ट आता है वो हम देख लेते हैं। इस कंडीशन में आएगा एक्स स्क्वायर ठीक प्लस बी माइनस ए एक्स, ठीक ये हो गया, ए माइनस बी सॉरी ए माइनस बी एक्स माइनस ए बी, इसको आप और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए माइनस बी माइनस ए बी, इस फॉर्म में आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से चौथी आइडेंटिटी भी है आपकी। ठीक, हम आपको अब क्वेश्चंस एक एक जो है सॉल्व करवाते हैं, एक एक आइडेंटिटी से लेकर और उसका आंसर निकाल के दिखाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, एक एक आंसर निकालेंगे एक्सरसाइज 3C का, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, बाकी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। मैं इसका नोट्स भी भेज दूंगा, उसको आप जो है रजिस्टर में लिख लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देंगे तो वो आपको मैं बता दूंगा। देखिए अब यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, x प्लस एट और x माइनस 3, ठीक ये हो गया, ये है क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम यहां पर अलग अलग मल्टीप्लाई करने वाला हमने आपको बताया था, वही करिएगा, उसी से आंसर आपका एग्जैक्ट आता है, नहीं तो बाकी आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला अगर नहीं भी याद रहता है तो आप इस मेथड का इस्तेमाल करके आंसर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, इजीली आंसर कैसे निकलेगा, देखिए पहला एक्सप्रेशन x है, इसको हम ले कहते हैं कॉमन ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है इस पूरे से यानी x माइनस 3 से, ये ले लिया, बचा क्या आपका प्लस 8, इसको भी प्लस 8 को मल्टीप्लाई करना है हमारे किससे, x माइनस 3 से, x माइनस 3 ये कर लिया। अब हम एक एक करके मल्टीप्लाई इसको कर लेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो x स्क्वायर आएगा, माइनस आएगा x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा, यहाँ पर अब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो आ जाएगा आपका 8x, अगर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आपका आ जाएगा 24। ठीक है, ये आया। ठीक, अब यहाँ पर देख रहे हैं 3x और 8x दोनों जो है कहते हैं सेम एक्सप्रेशन है, ठीक है, मोनोमियल है, माइनस 3x है और प्लस 8x है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है आपका माइनस, यानी कि हमको इसमें से माइनस करना है एक्स स्क्वायर, अब हम माइनस कर लेंगे 8 में से 3 गया तो आपका बचेगा 5x, साइन किसका लगेगा, साइन यहाँ पर ग्रेटर का लगता है, जिस एक्सप्रेशन का आगे से साइन होता है ग्रेटर वाले के आगे उसी के साइन को या सिंबल को हम लगाते हैं। यहाँ देखिए माइनस 3 है, यहाँ प्लस 8 है, ठीक, हमने किया माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है तो हमने माइनस किया, 8 में से 3 5x आया, अब साइन कौन सा लगाएंगे ये बहुत कंफ्यूजन होता है, ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इन दोनों में से 3 और 8 में से अगर हम देखते हैं कि जो बड़ा होगा, ठीक है, 3 और 8 में बड़ा कौन सा है, बट ऑब्वियस है कि 3 और 8 में 8 बड़ा है, 8 के आगे आप साइन देख लीजिए कौन सा है, 8 के आगे प्लस साइन है, यहाँ पर हम प्लस साइन लगा देंगे, बाकी बचा आपका माइनस 24, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, वेरी सिंपल।
सिंपल, बहुत आसान हो गया। अब अगर यहाँ पर देखिए, हम जैसे सिंपल में कंफ्यूज थे, अगर यहाँ पर हम प्लस की जगह जो है, बहुत अच्छे क्या रखते हैं, प्लस की जगह जो उनको समझ में नहीं आता माइनस कर देते हैं, तब उस कंडीशन में एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस 24 आएगा, लेकिन ये आंसर आपका क्या होगा, सही नहीं होगा, गलत होगा आंसर आपका, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर दोनों में से फिर से एक बार याद कर लीजिए, दोनों में से जिसके आगे बड़ा नंबर होगा उसी का सिंबल लगेगा। एट और थ्री में कंपेयर करेंगे तो एट बड़ा है, एट के आगे प्लस है, तो हम यहाँ पर प्लस साइन भी लगाएंगे और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये दूसरे टाइप का था क्वेश्चन नंबर टू, हमने आपको बताया, ठीक है। अब हम दूसरे जो क्वेश्चंस और ले लेते हैं इसमें, ठीक। कौन सा क्वेश्चन आपको बताना है, कौन सा क्वेश्चन बताऊं आपको, इसमें क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, दूसरे टाइप का है, 5 - xy, क्वेश्चन नंबर 7, 5 - xy, एक एक्सप्रेशन ये हो गया, ठीक है। दूसरा जो है एक्सप्रेशन आपका 2 + xy, 2 + xy, अब यहां देखिए एक्सप्रेशन xy है और यहां xy है, तो हम इसको एक ही मानेंगे, ये दो लिखा हुआ x और y दो है, लेकिन यहां पर इसको हम एक ही मान सकते हैं, यानी कि किस फॉर्म में है, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक। देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, हमने बताया था ना कि इसका कैसे जो है प्रोडक्ट हम निकालते हैं, ठीक। आइए इसको भी जो है हम लॉन्ग मेथड से करते हैं। सबसे पहले इसमें हमने 5 को ले लिया है यहाँ, ठीक, 5 को हम इस पूरे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका दैट इज 2 + xy, ये हो गया, बचा आपका माइनस xy, ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 + xy से। अब अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × 2 = 10 + 5xy, 5 को अगर हम xy से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5xy, यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या करेंगे, xy को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा माइनस 2xy, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अब ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा x² और y², अब ये x² और y² कैसे आया, xy है और xy है, अगर हम अलग से देखते हैं यहाँ पर x, ठीक है, y है और ये है x और y, अगर हम यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा y², इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, x² और y², ठीक है। अब आगे देखिए 5xy है और 2xy है, दोनों कॉमन तरीके के हैं, ठीक है, xy कॉमन है, यहाँ पर लेकिन 5 और यहाँ पर आपका 2 है, ठीक, तो इन दोनों में प्लस माइनस हो सकता है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले सिंबल देखेंगे दोनों का, प्लस और माइनस है, प्लस माइनस क्या बताता है कि यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि हमको 5 में से 2 माइनस करना होगा, ठीक, हमने 10 यहाँ पर लिख लिया, ठीक है, पहले हम सिंपल नहीं लगाते, पहले माइनस कर लेते हैं, तो 5 में से 2 जाएगा तो आपका आ जाएगा 3xy, अब सिंपल कौन सा लगेगा यहाँ पर, कौन सा साइन लगेगा, प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, बताइए, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए 5 और 2 के आगे जिसका सिंपल जो है जो बड़ा होगा वही लगेगा, 5 और 2 में कौन बड़ा है, कुछ लोग कहेंगे 2 बड़ा है, 2 नहीं बड़ा होता, ठीक है, 5 और 2 में हमेशा 5 बड़ा होता है, इसलिए 5 के आगे क्या साइन लगा हुआ है, प्लस लगा है कि माइनस लगा है, प्लस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस साइन, ठीक है, और बाकी बचा ये आपका दैट इज माइनस x² y² ये हो गया, ठीक है, ये एक तरीके से आंसर आएगा। अब ये आंसर आपका पीछे कहीं भी दिया जाता है, जब भी मैथ्स में हम लिखते हैं तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर पहले सबसे बड़ा नंबर आता है, फिर उसके बाद जो है छोटा नंबर जो है एक्सप्रेशन के फॉर्म में आता है, इसलिए हम इसको उल्टे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको उल्टे फॉर्म में लिखने का मतलब है माइनस x² y² +
3xy प्लस 10, चाहे तो आप ये लिखिए चाहे तो आप ये लिखिए, दोनों कंडीशन में आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? देखिए समझ लीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 7 था, अब और भी क्वेश्चंस हम ले सकते हैं इसमें। देखिए अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13, ये देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, चाहे तो मैं रन कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम सॉल्व करेंगे कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं, चलिए 13 भी है, हम इसके पहले कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, चलिए। ठीक है, थोड़ा सा मजा आएगा, अब हमारे घर से मजा आ रहा होगा, जब आपको मैथ्स देखे आने लगेगी, जब आपका आंसर आने लगता है मैथ्स में तो आपको बहुत अच्छा लगता है, और जब भी आंसर आपका जो है नहीं आता है तो आप ऐसा मत्था पीटने लगते हैं, अरे यार क्या हो गया, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब आंसर आने लगता है तो फिर आपको बहुत मजा आने लगता है। तो इसमें सारे आंसर आ रहे हैं हमारे, लेकिन आंसर तभी आएगा जब आपका कंसेप्ट बिल्कुल से क्लियर होगा, अगर क्लियर नहीं होगा कंसेप्ट कि क्या करना है कैसे करना है तो नहीं आएगा आंसर। इसमें मायूस होने की जरूरत नहीं है, एक बार लगाइए दो बार लगाइए, आइए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 11, नहीं आएगा तो दोबारा लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, 11 क्या है क्वेश्चन, 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 है। ठीक है, दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, दूसरा एक्सप्रेशन है 3x प्लस 5। ठीक है, अब देखिए ये एक्सप्रेशन किस फॉर्म में है, a प्लस b और ठीक है, और a प्लस b उसी फॉर्म में, a प्लस b, a प्लस b, एक एक करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर सबसे पहला आपका एक्सप्रेशन ये है 2x से, इसको बाहर लिया हमने, अब हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3x प्लस 5 से, 3x प्लस 5 ये हो गया, यहाँ क्या बचा प्लस 3, प्लस 3 को यहाँ लिखा हमने, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, पूरे एक्सप्रेशन से 3x प्लस 5 से, हो गया। अब एक एक करके मल्टीप्लाई कर लेंगे आराम से, सबसे पहले 2x मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 टू जा होता है कितना, 3 टू जा होता है 6, x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो कितना आ जाएगा, 2x यहाँ पर मिलता है, 2x मिलके x स्क्वायर बनाता है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर होता है, और जब प्लस करेंगे तब 2x होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई करेंगे x से, क्या आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, सॉरी अब 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो क्या आ जाएगा, 5 टू जा 10x, ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन इस पोर्शन का। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं भैया, चलिए प्लस का साइन लगाया, 3 को मल्टीप्लाई किया 3x से, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 से तो 9 आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो कितना आ जाएगा x, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, 3 3 से 9, 9x हो गया। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 3 से 15 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर 10x है ये और 9x है, दोनों एक जैसे हैं, यहां पर हम प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं। अब क्या करना है, हमको प्लस करना है कि माइनस करना है, लोगों कैसे पता चलेगा, दोनों के आगे साइन देख लीजिए, एक के आगे प्लस है दूसरे के आगे प्लस है, तो प्लस और प्लस मिला के क्या बनता है, हमको करना होगा प्लस, यानी कि प्लस 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 होता है, तो 10x और 9x को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 9 कितना होता है 19। ठीक है, 6x स्क्वायर वैसे ही रहेगा, पहले साइन नहीं लगाते, चलिए हम लिख देते हैं 19x। ठीक है, अब साइन दोनों में देखिए 9 बड़ा है कि 10 बड़ा है, 10 बड़ा होगा। ठीक है, 10 यहां पर बड़ा है इसलिए 10 के आगे पॉजिटिव साइन है, तो हम यहां पर ले लेंगे पॉजिटिव साइन, और बाकी बचा क्या आपका प्लस, जो क्या कहते हैं ले लेते हैं 15, तो आपका ये हो गया आंसर। ठीक है, हो गया, आ गया, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक दो दिन का टाइम देता हूं मैं, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिएगा, उसके बाद ही मैं जो आपको इसका नोट्स भेजूंगा, सारे क्वेश्चन आंसर्स में भेज देते हैं। अब ये मत करिएगा कि आप सिर्फ वेट करिए और सारे आंसर्स का, और आप उसको जो है उतारते चले जाइए नोट्स कॉपी में,
तो अगर आप ऐसा करने वाले हैं तो इसमें हमारा कोई फायदा नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा। पूछे कैसे? नुकसान ऐसे होगा कि जब आप जो है बिना सॉल्व किए केवल क्वेश्चन को आंसर जैसा लिख लेंगे तो सिर्फ आपको उतारने वाली चीजें आएंगी, आपको कॉपी करना आएगा, आपको मेथड और ट्रिक नहीं आने वाला है, जो कि इम्पोर्टेंट होता है मैथ्स में सीखना। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, फिर उसके बाद जो है वीडियो को क्लोज करते हैं, आप लोग का होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा लें? अब आप लोग बता तो पा नहीं रहे हैं क्योंकि ये वीडियो है, लाइव क्लास होती है अगर यहाँ पर तो आपसे पूछते भी कि कौन सा क्वेश्चन है तो आप बताते भी। हम अपने हिसाब से करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, हमने बोला था चलिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है किया जाए। ठीक है, थोड़ा सा मजा आएगा इसमें, दोनों में माइनस माइनस है ना, देखते हैं क्या होता है। 2y-3 क्वेश्चन नंबर 13, 2y-3 ये हो गया, एक है आपका 3y-5। ठीक, और ये देखिए a माइनस b वाला फॉर्मूला है यहाँ पर a माइनस b। ठीक है, a माइनस b, लेकिन उससे नहीं निकालेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 2y पहले ले लिया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2y बाहर कॉमन, अंदर 3y-5, यहाँ बचा क्या -3, तो हम यहाँ -3 यहाँ उतारेंगे। अब इसको भी मल्टीप्लाई करना है किससे, पूरे 3y-5 से, ये लिख लिया हमने। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं आराम से, 2y मल्टीप्लाई करेंगे 3y से तो कितना आएगा, 3 2 जा होता है 6, हो गया 6, y को मल्टीप्लाई करेंगे y से हो जाएगा y स्क्वायर, यहाँ पर माइनस साइन लगाया, 2y 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा होता है 10, तो लिख लिया हमने 10 और y, ये हो गया इसका मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट। अब इधर आते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं आपके 3 से, तो 3 3 9 और y तो हो जाएगा 9y, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 3 9। अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में प्लस हो जाता है, इस चीज को ध्यान रखना है, माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम माइनस से, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो यहाँ पर हो गया प्लस, और क्या होगा 5 3 15। अब देखिए यहाँ पर 10y ये और ये 9y दोनों एक जैसा है, यहाँ पर अब हम इसमें कुछ कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं या तो माइनस कर सकते हैं, दो में से एक ही चीज करेंगे आप, या तो प्लस करेंगे या तो माइनस, लेकिन ये पता कैसे चलता है कि हम प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, दोनों का साइन को देखेंगे। यहाँ पर माइनस माइनस है, दोनों एक जैसे हैं, तो माइनस माइनस हो जाता है आपका प्लस, यानी कि दोनों को हमको जोड़ना है, यानी कि 10 को और 9 को जोड़ना है, 6y2 इसको ऐसे ही लिखा रहे दीजिए, यानी दोनों को जोड़ना है, हमने जोड़ दिया, कितना हो जाएगा 19, 10 + 9 = 19। अब दोनों के आगे सिंबल देख लीजिए, एक और वाला सिंबल लगाएंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे माइनस, ये दिक्कत है, दिक्कत को सॉल्व करने के लिए फिर वही तरीका देख लीजिए, 10 बड़ा है 9 बड़ा है, दोनों में 10 बड़ा है, 10 के आगे क्या साइन है, माइनस लगा है, तो हम यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे, बाकी बचा आपका प्लस 15, ये हो गया इसका आंसर, मिला लीजिए। ठीक है, अब ये हमने आपको सारे बता दिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं, अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद बाकी और क्वेश्चन बचे हुए हैं, हमने 5 6 1 2 3 4 5 क्वेश्चन करवा दिए हैं, 14 क्वेश्चन हैं, 9 क्वेश्चन आपको और अटेम्प्ट करने खुद से, अगर नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हैव अ नाइस डे, और थोड़ा सेफ रहिए, कोरोना काल चल रहा है, ठीक है, स्कूल बहुत जल्दी खुलने वाला है, होप कर रहे हैं कि अगस्त में खुल जाएगा तो आपकी रेगुलर क्लासेस फिर चलने लगेंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमारे ख्याल से, और कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है, बस आप फटाफट इसको लगाना शुरू करिए और प्रॉब्लम जो है पूछिए जो भी नहीं आता है, नोट्स पूरा कंप्लीट, 3C आज जो है ये चैप्टर एक्सटेंशन का कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में हम कोई नया चैप्टर जो है लेते हैं और उसको पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।